जयपुर इज अ ओल्ड सिटी, रॉयल्टी के लिए जाना जाता है जयपुर। तो उसी में से एक लग्जरी 5-स्टार होटल काज में आप लोग को टूर कराने जा रही हूँ, जो कि है ताज जय महल पैलेस। 1745 में ये आलिशान महल मिलिट्री कमांडेंट हरविंद नटानी का घर हुआ करता था। ये होटल 3 प्रधानमंत्री का निवास स्थान भी रह चुका है। यहाँ पे आपको 64 रूम्स मिलेंगे और 6 सूट्स मिलेंगे। ताज ग्रुप ने इसको 1986 में लीज पे ले लिया था। तो जयपुर में ताज की 2 प्रॉपर्टी है, जिसमें से एक ये ताज जय महल पैलेस आपको मिलेगा। 14 किलोमीटर्स है ये फ्रॉम द एयरपोर्ट एंड 6 किलोमीटर्स फ्रॉम ओल्ड सिटी मार्केट। तो अगर आपको मार्केट भी एक्सप्लोर करना है तो भी ये ज्यादा दूर आपको ये वाला होटल नहीं है। तो अगर आपको राजपूत मेहमान नवाजी का अनुभव चाहिए तो ये वाला आप होटल जरूर एक बार जाइएगा। तो एक ये यूनिक प्लेस प्रॉपर्टी है इन द हार्ट ऑफ द वाइब्रेंट पिंक सिटी। सो दिस प्लेस इज लोकेटेड इन द हार्ट ऑफ द सिटी एंड बिल्ट इन 1745 एज द गार्डन हाउस फॉर द आर्मी चीफ ऑफ द महाराजा ऑफ जयपुर। एंटर होते ही आपको ये लॉबी एरिया मिलेगा, जहाँ पे आप बैठ के अपना वेलकम ड्रिंक एंजॉय कर सकते हैं और बहुत सारे फोटोज भी क्लिक कर आ सकते हैं। यहाँ पे बहुत जगह कबानास भी बने हुए हैं, पूरे राजपूत बूटे से यहाँ पे काम किया गया है, पूरा मुगल वर्क, पूरा आपको ऊपर जो भी सीलिंग में वर्क मिलेगा वो मुगल वर्क मिल जाएगा। तो यहाँ का ये होटल पुराना होने के कारण बहुत ही लग्जरी और शाही लुक देता है। यहाँ पे वेलकम पूरे राजस्थानी तरीके से किया जाता है, तो ऐसा मेहमान नवाजी किसको पसंद नहीं आएगा। यहाँ पे लॉबी में आप जैसे जाएंगे तो जगह जगह पे आपको यहाँ पे ऐतिहासिक पेंटिंग देखने के लिए वहाँ पे आपको मिल जाएगी। तो इस टाइप के वहाँ पे कबानास बने हुए हैं, जहाँ पे बहुत सारे आप फोटोज़ क्लिक करा सकते हैं और आप वहाँ सोफ़ा वगैरह सबका आप वर्क देखेंगे। तो वहाँ पे वो राजपूत बूटे से वहाँ पे वो बना हुआ है, बहुत ही सुंदर प्लेस है। वहाँ पे आप जाएंगे, जब भी आप जाएंगे तो वहीं जाके लॉबी एरिया से ही आपको ऐसा लगेगा आप को बहुत रिलैक्स मिल रहा है। तो उसके बाद अब मैं आप लोग को लेके चलती हूँ अपने रूम के तरफ। यहाँ के रूम को 5 अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। एक है लग्जरी रूम विथ गार्डन व्यू, लग्जरी रूम विथ सिट आउट गार्डन व्यू, लग्जरी सूट 1 बेडरूम किंग बेड और लग्जरी प्रीमियम सूट 1 बेडरूम किंग बेड। अब मैं आप लोग को लेके चलती हूँ रूम टूर पे, जो कि वो भी बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। तो रूम के अंदर आपको ये छोटा सा विंडो मिल जाएगा, तो बहुत ही कोजी जगह में उनने बहुत ही ब्यूटीफुल इंटीरियर किया हुआ है। तो वहाँ के रूम में प्राचीन फर्नीचर और मिनिएचर पेंटिंग से वहाँ पे डेकोरेट किया गया है, बहुत ही सुंदर, बहुत ही अट्रैक्टिव लुक है वहाँ का। आपको जब इंटीरियर दिखेगा और जब आप कर्टन खोल के बाहर देखेंगे तो आपको इतना ज़्यादा अच्छा लगेगा, इतना ज़्यादा रिलैक्सिंग लगेगा। और हर चीज़ वहाँ पे आपको अवेलेबल मिल जाएगी, सिंक एरिया में आपको हर एक चीज़ अवेलेबल मिल जाएगी, बाथटब आपको मिल जाएगा। बहुत ही अच्छा रूम है वहाँ का, बहुत ही राजपूत लुक आपको वहाँ पर देखने के लिए मिलेगा। तो उसके बाद मैं आप लोग को लेके चलती हूँ वहाँ के गार्डन एरिया में। वहाँ पे हर रूम का आउटसाइड व्यू बहुत ही अलग अलग है और बहुत ही शानदार है। तो वहाँ पे अगर आपको किसी का वेलकम करना है तो वहाँ इस टाइप का ये डांस परफॉर्मेंस भी उन लोग करते हैं और बहुत ही यूनिक तरीके से वहाँ पे वेलकम करते हैं। और धीरे धीरे शाम ढल रही थी और होटल का नज़ारा और भी सुंदर लग रहा था, और भी सुंदर होता जा रहा था। मैं इतना वीडियोज़ ले रही थी बट मुझे फिर भी इतना सुंदर लग रहा था हर चीज। तो जैसे ही वहाँ पे कोई गेस्ट आते हैं उन लोग उसको इस तरीके से वेलकम करते हैं, पूरा आपको लगेगा आप वहाँ पे जाके महाराजा महारानी बन गए हैं। शाम को ये वहाँ पे कुछ डांस परफॉर्मेंस होता है, वहाँ का लोकल फोक डांस परफॉर्मेंस होता है। तो मैं आप लोग को वहाँ के सारे सॉन्ग सभी आप लोग को दिखा देती हूँ। Thank you.
जैसा कि मैंने आप लोग को कल नाइट का व्यू दिखाया कि वहाँ पे डेली पपेट शो होता है, कल्चरल प्रोग्राम होता है और बहुत ही शानदार शाम का भी वहाँ का व्यू होता है। तो सुबह ब्रेकफास्ट करने के लिए जब हम उठे तो सुबह में ब्रेकफास्ट करने से पहले वहाँ पे ये फाउंटेन्स और पूरा गार्डन इन्जॉय कर रही थी। और उसके बाद चलते चलते मैंने वहाँ पर देखा, तो अगर आप रॉयल कार लवर हैं तो ये आगे का वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि वहाँ पे ये एवरी ईयर ऑर्गेनाइज किया जाता है बाय द राजस्थान ऑटोमोटिव स्पोर्ट्स कार क्लब के तरफ से। तो ये विंटेज कार एग्जीबिशंस वहाँ पे हो रहा था, तो जस्ट मैं वहाँ पे जा रही थी और मुझे वहाँ पे ये गार्डन में ये सारे विंटेज कार देखने के लिए मिली। एक से एक रॉयल गाड़ी वहाँ पे खड़ी हुई थी और सारी कार जो भी आप वहाँ पे देखेंगे वो पूरा आपको वहाँ पे शॉक कर देगी। तो बहुत ही अलग अलग टाइप की वहाँ पे कार डिस्प्ले किया हुआ था, 100 से भी ज़्यादा विंटेज कार वहाँ पे डिस्प्ले किया हुआ था। पर्सनली मेरे लिए ये बहुत ही अलग एक्सपीरियंस था। किंग फ्रॉम ऑल द स्टेट ऑफ इंडिया एंड अब्रॉड जॉइन टू एंजॉय दिस एग्जीबिशन एंड रैली। तो यहाँ पे एक बहुत ही यूनिक एक्सपीरियंस आपको मिलेगा अगर आप वहाँ जाते हैं और ये एग्जीबिशन वहाँ पे हो, क्योंकि एवरी ईयर ये वहाँ पे होता है। तो राजस्थान इज़ द स्टेट ऑफ द रॉयल एंड दिस विंटेज कार एग्जीबिशन एंड रैली हेल्ड हियर इन ऑलवेज अ प्लीजिंग साइट not just for the car themselves but the entire aura that surrounded such an event for you truly feel that you have years back in time। तो उसके बाद चली गई मैं वहाँ पे ब्रेकफास्ट करने मार्बल आर्क रेस्टोरेंट में, जो कि ऑल डे डाइनिंग है वहाँ पे, और वहाँ पे लाइव काउंटर भी आपको मिल जाएगा सुबह। तो वहाँ पे हम लोग रेस्टोरेंट अलग अलग तरीके का आपको मिल जाएंगे। तो वहाँ पे हम लोग लंच करने गए थे सिनेमम रेस्टोरेंट में। वहाँ पे आपको अगर आपको राजस्थानी शान वहाँ का आपको इतना ज़्यादा आपको अट्रैक्ट करेगा, वहाँ की रॉयल थाली, और वहाँ पे दरबार भी है, वहाँ पे आप बैठ के भी खा सकते हैं। और वहाँ पे ये सारी सोने की प्लेटेड थाली आपको मिलेगी जिसके अंदर चांदी का काम है। तो वहाँ पे आपको जो ये प्लेट दिखेंगे वो सोने की प्लेट हैं और अंदर में चांदी का वहाँ पे काम आपको मिलेगा। तो वहाँ का इंटीरियर बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। तो ये आपको वहाँ पे अलग से एक दरबार मिलेगा जहाँ पे आप बैठ के खाना एंजॉय कर सकते हैं, मगर हम लोग ने वहाँ पे ये सिटिंग एरिया में बैठ के हम लोग ने खाया था। और वहाँ पे आपको जो भी चीज़ें देखने के लिए मिलेगी बहुत ही ज़्यादा शानदार, वहाँ का जो भी आपको ये सीलिंग में वर्क देखने के लिए भी मिलेगा, ऐसा लगेगा जैसे वो चांदी से पूरा वर्क किया हुआ हो। बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव था वहाँ का सारा इंटीरियर, बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव था। तो मैं पूरा घूम घूम के देख रही थी, इंजॉय कर रही थी, वहाँ के इंटीरियर को इंजॉय कर रही थी। उसके बाद हम मैं वेट कर रही थी कि थाली कब आएगी। तो जब थाली आई तो थाली बहुत ही अच्छी थी, और जैसा कि आप जानते हैं कि राजस्थानी का फेमस दाल बाटी चूरमा तो थाली में रहेगा, और वहाँ पे बाजरे की रोटी, राजस्थानी कढ़ी, पनीर मिर्ची सब्जी, गट्टे की सब्जी, खीर संगरी वहाँ का एक स्पेशल डिश होता है, और खीर वाले चावल, रायता, बहुत कुछ था वहाँ, शानदार खाना था। और नॉनवेज भी अगर आपको थाली में चाहिए तो वो भी आप ले सकते हैं। उसके बाद मैं वहाँ पे पूल साइड एरिया गई थी। पूल साइड एरिया बहुत ही ज़्यादा सुंदर था। तो पूल साइड एरिया में आपको वहाँ का शाम को आपको पूल लाइट और मून बहुत ही अट्रैक्टिव लगता है, मगर हम लोग मॉर्निंग के टाइम गए थे। वहाँ पे ये चेस साइड एरिया भी है,
तो वहाँ का ये चेस बोर्ड अगर आप देखेंगे तो ये शानदार तरीके से आप वहाँ पे खेल सकते हैं। और वहाँ पे ये नीचे ऐसे वहाँ पहिया लगा हुआ है उसके, और आप आराम से उसको धीरे धीरे चला सकते हैं और आप एकदम राजा महाराजा जैसे आप फील ला सकते हैं। अगर आप चेस खेलते हैं तो आप यहाँ पे ज़रूर जाके ये चेस खेलिए। और पूल साइड एरिया में आपको ये जिम फैसिलिटीज़ मिल जाएगा वहाँ पे, तो वहाँ पे इंडोर गेम्स है, बैडमिंटन है, टेबल टेनिस, पूल टेबल, बेबी पूल, बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे आपको ये मिल जाएंगी जिम एरिया में। और वहाँ पे आपको पास में आपको वहाँ पे स्पा एरिया भी मिलेगा, जहाँ का स्पा बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। पूल साइड एरिया में आपको एक और रेस्टोरेंट मिलेगा जिसका नाम है गार्डिनोज, वो एक इटालियन रेस्टोरेंट है, तो वहाँ पे भी जाके आप फूड इंजॉय कर सकते हैं। और ये सारा टेबल टेनिस एरिया वगैरह भी आपको वहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा। बच्चों का प्ले एरिया भी है, बच्चों का प्ले रूम भी है, बहुत ही चीज़ें हैं। तो आप पूरा आपको होटल एक्सप्लोर करने में बहुत टाइम लगेगा। 270 साल पुराना ये होटल है और बहुत ही ब्यूटीफुल होटल है, बहुत ही अच्छे तरीके से उसको मेंटेन किया गया है। तो आई होप आप लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो। और ये मेरे जयपुर का फर्स्ट पार्ट था, जिसमें आपको मैं सिर्फ होटल का टूर दिखाई हूँ। उसके बाद और भी पार्ट्स हैं जिसमें जहाँ भी मैं वहाँ पे घूमी और बहुत ही ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल प्लेसेस में वहाँ पे गई, तो उसका भी टूर मैं आप लोग को ज़रूर कराऊँगी। और पूरा आप लोग को जयपुर जितना हो सकता है आपको अपने वीडियोज़ में घुमाने का कोशिश करूँगी, और आप को जयपुर से प्यार हो जाए और आप जयपुर जल्दी से जल्दी जाएं और वहाँ का सारी चीज़ें इंजॉय कर सकें। तो आई होप आप लोग को ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो। अगर आप लोग को मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। तो चलिए नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में मिलते हैं, टिल देन बाय बाय।